आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दर्शकों, शुभ प्रभात, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। और लोनलीनेस की जो सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं, आज हम बात करेंगे कि जब हम अपने परिवारों में होते हैं, हमें अक्सर लगता है कि परिवार में हमें प्रेम मिलता है, अपनापन होता है, हम बातचीत करते हैं, लेकिन कई बार परिवार में रहकर भी हम अकेलेपन को महसूस कर सकते हैं। आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही रेबेका, जैसे एक पुरानी कहावत है, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। सब जगह पानी है पर पानी पीने के लिए एक बूंद भी नहीं है। हो सकता है आपके आसपास बहुत सारे लोग हों और परिवार हो, लोग हों, फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, ऑफिस में हैं, बड़ी भीड़ हो, भीड़ में जा रहे हो, फिर भी आप अपने आप को अकेला समझते हैं, मायूस समझते हैं, और आपको लगता है कि कोई सच्चा मित्र, सच्चा दोस्त या आपको समझने वाला कोई नहीं है, या कोई ऐसी परिस्थिति है जिसके वजह से आप अपने शेल में चले गए। ये एपिसोड आपके लिए मेरे दोस्त, और परमेश्वर चाहता है कि आप उस अकेलेपन से निकले और यू हैव अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। अगर फैमिली भी नहीं आपको अपनाए, पर एक खुदा है, एक परमेश्वर है जो अपने आगोश में आपको लेना चाहता है। जी, और हमारी प्रार्थना है दोस्तों कि आप इस परमेश्वर को जानेंगे, आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जानेंगे। आइए आज दिन की शुरुआत हम करें एक गीत के साथ, और ये क्राइस्ट चर्च हल्द्वानी की कॉयर हमारे लिए गा रही है, और इस गीत के शब्द हैं, मुंजी के कदमों पे चलना हम चाहते हैं। तो आइए इस गीत को हम सुने और इससे आशीष पाएं, और ये आपके लिए लेकर आए हैं एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर रॉनी फिलिप्स। खुश मारे मुझे ये गा।
यू वेरी मच क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च हल्द्वानी कॉयर, थैंक यू इस गीत को हमारे लिए गाने के लिए। आपने सबने मिलकर के अपनी बहुत ही मधुर आवाज़ों के द्वारा इस गीत को गाया, थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। बहुत ही खूबसूरत गीत था। इसी तरह हम अपने मुंजी प्रभु यीशु मसीह की राह पे आगे बढ़ते रहें, और अगर वो हमारे साथ हमारा हम सफर है तो फिर कोई मायूसी और कोई अकेलापन हो ही नहीं सकता जी। और दोस्तों हम आपको याद दिला दें कि अगर आपकी भी चर्च कॉयर्स हमारे साथ एक नई जिंदगी प्रोग्राम में जुड़ना चाहती हैं तो यू आर वेलकम, और आप ज़रूर अपनी कॉयर्स को हमारे साथ रजिस्टर करें, CBN इंडिया में आकर के रजिस्टर करें। और बहुत आसान है ये करना, आप CBN इंडिया की वेबसाइट पर जाएं और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/connectwithus, यहाँ जाकर आप अपनी चर्च कॉयर्स को रजिस्टर करें एंड वी विल बी सो हैप्पी एंड एक्साइटेड टू हैव योर कॉयर्स कम एंड सिंग फॉर अस ऑन एक नई जिंदगी। दर्शकों जैसे आप जानते हैं हमारा जो पूरे महीने का जो थीम है वो है अकेलेपन और लोनलीनेस, और आज हम देख रहे हैं कैसे अपने लोग जैसे अपने फैमिली के बीच में रहते हुए भी आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। जी बिल्कुल, एंड ये हर घर में आजकल देखा जाता है एंड देयर इज अ लॉट ऑफ लोनलीनेस, और ये एक एपिडेमिक की तरह है, ये बढ़ता जा रहा है। परिवारों में भी लोग अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं या उसके वजह से डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, और एक फियर्स आ जाते हैं, डर आ जाते हैं, और लोग बाहर निकलना नहीं चाहते, और जो रिलेशनशिप्स है ना वो बहुत स्ट्रेंड हो रहे हैं, और रिश्तों में दरारें आ रही हैं क्योंकि हमारे पास एक दूसरे के लिए समय नहीं है और हम अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं। जैसे बच्चे, खास तौर से छोटे बच्चे, हमारे पास उनके लिए समय नहीं है, और किस तरह छोटी सी उम्र में वो गुमराह हो जाते हैं और अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपके घर में ऐसा ना हो, पर अब हमारे पास एक सच्ची कहानी है ना रुबेका? जी बिल्कुल दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं आज सोनाली की कहानी। परिवार में जो अकेलापन होता है इसे समझने के लिए हम आज सोनाली मिश्रा से मुलाकात करेंगे, जिनके पापा के गुजर जाने के बाद परिवार में उनकी जगह अकेलेपन और फाइनेंशियल स्ट्रेस ने ले ली। पर जब उन्होंने अपने भाई के जीवन में बदलाव को देखा तो वो उसकी वजह जानना चाहती थी कि वो क्या वजह थी। और आइए सोनाली से मुलाकात करें और जानें कि जो बदलाव उन्होंने अपने भाई के जीवन में देखा, क्या वो बदलाव उनके भी जीवन में आया। ये बहुत ही खूबसूरत सच्ची कहानी है, आइए सोनाली से मिले और हम इनकरेजमेंट पाए। हम सबके लिए मौत को स्वीकार करना एक दर्द भरी सच्चाई है। सोनाली मिश्रा ने भी इसका सामना किया जब उन्होंने अपने पिता को सिर्फ 10 साल की उम्र में खो दिया। मेरे पापा वाज ऑलरेडी शुगर और बीपी के ही हैड प्रॉब्लम, सो उधर से प्रोसेस चालू होता है एंड ग्रेजुअली उनका वो कोमा में गए, फिर उनको एक एक ऑर्गन्स जो है स्टार्टेड डैमेजिंग, फिर धीरे धीरे जब वो खराब हुआ डॉक्टर्स ने बोला वी कैन नॉट सेव हिम। सोनाली का परिवार पिता के गुजर जाने के बाद आर्थिक रूप से संघर्षों का सामना कर रहा था, उन्हें दूसरों से पैसा उधार लेना पड़ता और उससे उनकी जिंदगी बेहद दूभर हो गई थी। जैसे जैसे कर्जा बढ़ रहा था तो फिर कर्जे मांगने वाले लोग आते थे बार बार, पैसा चाहिए पैसा चाहिए, और कहीं से भी कोई इनकम नहीं था, एक कमाने वाला और चार को खिलाने वाला, तो कुछ ये घर में एक हमेशा से जो टेंशन का कारण था वो ये था, तो इसका इफेक्ट मुझ पे भी पड़ रहा था और उतना ही इफेक्ट दादा पे भी पड़ रहा था। अपनों को खोने का अनुभव, आर्थिक समस्या और खालीपन से छोटी सी उम्र में ही सोनाली के अंदर ढेर सारा गुस्सा भर गया था जिसका असर उनके रिश्तों में भी पड़ा। अब हम दोनों एडोलेसेंस एज में आ रहे थे अपने, तो मैं दादा की बहुत लड़ाई होती थी और क्योंकि फ्रस्ट्रेशन था, मम्मा भी अपने टेंशंस में रहती थी, तो मैं बहुत ज़िद्दी हो गई थी, बहुत गुस्सा, इतना कि अनकंट्रोलेबल। मुझे याद है कि मैंने एक बार उठा के गुस्से में टीवी फोड़ दिया था, नोइंग कि इसके बाद नहीं आ सकता दूसरा, बट मेरा गुस्सा सहने के बाहर था, उस कारण से हम तीनों धीरे धीरे जो है अलग होना चालू हो गए थे। एक समय के बाद सोनाली का भाई काम से दूसरे शहर में चले गए। जब वो कई साल बाद फिर से मिले तो सोनाली चौंक गई। मैं उसको बड़े स्ट्रेंज तरीके से देख रही थी कि ये कुछ तो गड़बड़ है, या तो इसको कुछ तो भी चाहिए मुझसे या कुछ प्रॉब्लम है, देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो ये मेरा उससे पहला सरप्राइज था कि
ये पूछना कि तू आना रुकना, नहीं तो मेरा भाई जिधर से आई उधर ही उससे लौटा देता था कि जा हो गया, अभी मिल लिए ना, बात कर लिए ना, अभी जा। सोनाली को पता चला कि यीशु इस सभी बदलाव का कारण है जो उन्होंने अपने भाई में देखे। अपने भाई के प्रोत्साहन से वो चर्च जाने लगी और एक सभा के दौरान उन्हें कुछ मिला जिसका उन्हें जिंदगी भर से इंतजार था। सबसे पहला जो चीज मेंशन किया था और जो मैं स्ट्रगल कर ही रही थी, यीशु मसीह आज उनसे कहना चाहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा है। तो वो मेरे लिए एक एक्सेप्टेंस था कि जो मेरा एक मिसिंग पोर्शन था लाइफ का, एक बहुत बड़ा जो एम्प्टीनेस था, वो आज जो है वो मिसिंग पजल जो है वो मिल गया है मुझे। यीशु के प्रेम के अनुभव को पाकर सोनाली ने अपना पूरा जीवन यीशु को समर्पित कर दिया। जब मैंने पहला परमेश्वर को एक्सेप्ट किया तो मैंने एक गॉड देखने की बजाय उसको अपना पिता देखा। जब उसे पिता करके पुकारा तो जो वॉइड था, एक कमी थी, जो वो कमी पूरी लगी। जैसे जैसे सोनाली और उनका परिवार आत्मिक रूप से बढ़ने लगा, वो अपने गुस्से पर काबू पाने लगी और वो यीशु के प्यार को अपने जीवन में देख पाई। हम लोग जब तीनों अलग अलग थे, कोई ऑर्डर नहीं था घर में, कोई प्यार नहीं था, जब से यीशु मसीह लाइफ में आए, जब से मैंने उनको ग्रहण किया, जब से आई हैव बीन अडॉप्टेड एज अ चाइल्ड, उस टाइम से सबसे पहले हमारा जो तीनों का झगड़ा था वो ख़त्म हुआ। तो फर्स्ट स्टेप हमारा फैमिली ऑर्डर में आया, वहाँ से मैंने परमेश्वर का प्यार देखा। आज सोनाली शादीशुदा है और उनकी एक बेटी भी है। वो अपने जीवन में सारी महिमा पिता परमेश्वर को देती है। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, बिकॉज अगर मैं अपना पूरा पिछला जर्नी देखूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि शायद परमेश्वर का वो एक प्लान ही था ताकि मैं उनके पास आ पाऊँ, और वो जो एक्सेप्टेंस नहीं मिलना था वो सिर्फ उनके पास ही मिला। हो सकता था कि वो एक्सेप्टेंस में गलत जगह ढूँढूँ, पर मुझे लगता है कि वो पूरी परमेश्वर की योजना में ही मैं हूँ, और क्योंकि वो योजना में चली इसलिए आज मैं सब चीज़ों से ब्लेस्ड हूँ, और मैं गॉड को ग्लोरी देना चाहती हूँ और थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच सोनाली आपकी कहानी के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और वाकई वो समय जब आपको बहुत गुस्सा आता था और कैसे आपके रिश्ते बहुत बिटर हो गए थे, लेकिन परमेश्वर ने कैसे अपने प्रेम की जो मिठास है उन रिश्तों में खोल दी, और माफ़ी और परमेश्वर के प्रेम के साथ वो रिश्ते फिर से हरे भरे हो गए हैं। गॉड ब्लेस यू सोनाली, वी आर सो एनकरेज्ड टू मीट यू। सोनाली जी थैंक यू, मुझे पता है व्हाट इट मींस टू लूज योर फादर, क्योंकि आई ऑल्सो डोंट हैव माई फादर, पर मैं और कई दर्शक लोग अभी जो देख रहे हैं, शायद आपके भी पिताजी अभी नहीं आपके साथ, बट एक स्वर्गीय पिता है जिसको अब्बा बुलाते हैं, अब्बा पिता, द हेवनली फादर, वो हमेशा हमारे साथ है। एंड सोनाली को इसका पता चला, उसने विश्वास किया प्रभु में, और उसको पता कि एक हमारा जो पिता परमेश्वर है वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। दोस्तों मैं अभी अपने पुराने एल्बम्स देख रहा था अपने पिताजी के पुराने घर में, तो एल्बम जब मैं देख रहा था तो मैं देख रहा था कि भाई अरे ये हमारी दादी भी नहीं है, फिर आगे गया तो हमारे मम्मी डैडी की बहुत सारी तस्वीरें, वो भी हमारे साथ नहीं है, फिर एक अंकल, हमारे नाना जी, दादा जी, अलग अलग लोगों के मैं देख रहा था और पुरानी यादें ताज़ा कर रहा था, और यादों की एक बारात में मैं चल पड़ा, और मैंने ये देखा कि कितने लोग जिनसे हम बहुत प्रेम करते थे, जहाँ से हमें बड़ा प्यार मिला, जो हमारे लिए दुआएं करते थे, हमारे साथ ही नहीं है अब। अरे कहाँ गए ये सब लोग, और ये कारवां जिंदगी का चलता रहा और ये लोग हमें छोड़ के चले गए। कब वो प्लेटफॉर्म आया जिंदगी के ट्रेन में और कब उतर गए वो हमें पता ही नहीं चला। दोस्तों ऐसी है जिंदगी, कई लोग आते हैं और हमारे बीच में जो हमें प्यार मिलता है और अचानक वो चले जाते, शायद अपने भाई लोग भी, अपने ब्रदर या सिस्टर, या शायद सिस्टर शादी करके निकल गई हैं, या ब्रदर किसी काम से निकल गए, अलग हो गए, और हम लोग बिल्कुल अकेले सोचते हैं कि हम अकेले हो गए। पर मैं बताना चाहता हूँ, जो दाऊद बादशाह था ना, जब वो छोटा था, शमूएल उनके घर आया था और परमेश्वर ने कहा था यहाँ जाना जेसी के घर, तो उसने अपने सारे लड़कों को दिखा दिया, दाऊद को भूल दिया, भूल गया वो अपने फादर ही भूल गया उसको कि मेरा एक छोटा लड़का भी है दाऊद। और सुनिए, यूसुफ के अपने भाई
उसके खिलाफ हो गए थे जोसेफ के, और उसको बाद में उन्होंने कुएं में डाल दिया और उसको बेच दिया गुलाम की तरह, मिस्र देश में चला गया। दोस्तों क्या उनके दिल पे बीती होगी इन लोगों पे कि अपने फैमिली वाले ही हमारे खिलाफ हो गए, हमसे दूर हो गए। दोस्तों पर एक चीज मैं बताना चाहता हूँ आपको, एक परमेश्वर है, एक अब्बा है और एक पिता है, वही हमारा स्वर्गीय पिता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल अकेले हो गए, मायूस हो गए, या आपके माँ बाप आपको छोड़ गए हैं या खुदा के पास चले गए, आप बिल्कुल अकेले हैं, बिल्कुल याद रखें एक पिता परमेश्वर है जो सदैव हमेशा आपके साथ है। प्रोवाइडेड, शर्त यह है कि आप उसके बच्चे हैं, तभी तो आपके पिता बनेंगे वो, और उसके लिए आपको अपना जीवन देना है ताकि आप उसके परिवार में शामिल हो जाएं। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं, यूहन्ना 14:18, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। आज परमेश्वर आज सुबह आपसे बात कर रहा, हां जी आपसे बात कर रहा, आप अकेले नहीं हो, आप ऑर्फन नहीं हो, आप अनाथ नहीं हो, आप परमेश्वर के हो और वो हमेशा हर वक्त हमेशा आपके साथ है, और आपको एक माँ की तरह अपने गोद में उठाएगा और एक पिता की तरह अपने कंधों पर उठा के जिंदगी के सफर में आगे बढ़ाएगा। दोस्तों आप अकेले नहीं हो, स्वर्गीय पिता आपके पास है। जी बिल्कुल दोस्तों, और बच्चे भी तो जो भी उनकी ज़रूरतें होती हैं, जो भी उनकी मुश्किलें होती हैं, जो भी चैलेंजेस होते हैं, अपने पिता के पास ही तो लेकर आते हैं। तो आइए आप और हम जो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर की संतान हैं, आइए हम मिलकर अपने पिता से अपनी अपनी जो भी हमारी पुकारें हैं वो मांगें और अपनी पुकार लगाएं, और जो भी हमारी प्रार्थनाएं हैं हम परमेश्वर से करें। और हम भी दोस्तों प्रार्थना में आपकी सहायता करना चाहेंगे, तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करें, हमें कॉल करें एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन नंबर पर, और हमारा नंबर है 9910401010 9910401010। आप ज़रूर हमें कॉल करें, व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, हमें आपके संपर्क का इंतज़ार रहेगा। और अब समय है कि हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हम परमेश्वर के वचनों से आशीष पाएंगे, और आज पंजाब से पास्टर रूप चोपड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो हमें परमेश्वर के वचनों से इंकरेज करेंगे। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। क्या आप अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं? क्या भीड़ में भी आप खुद को अकेला पाते हैं? क्या अकेलेपन के कारण आप दूसरों से कट ऑफ हो रहे हैं? एक नई जिंदगी की प्रेयर लाइन टीम लाइव जा रही है ऑन 27 अगस्त एट 3 PM ऑन द CBN इंडिया यूट्यूब चैनल। अकेलेपन में प्रार्थना को एक मौका दें। वेलकम बैक दोस्तों, और जैसे कि अभी आपने ब्रेक में देखा, आप जरूर CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर 27 अगस्त को दोपहर 3 बजे जुड़ें ताकि लाइव प्रेयर में आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर कर सकें और आप ही प्रार्थना के सामर्थ को अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर पाए। और रुबेका, मैं बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये जी, पर आज मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो अकेलापन है ना, बड़ी खतरनाक चीज है। यू नो इट्स गुड टू बी अलोन बट नॉट टू बी लोनली, जैसे इंग्लिश में कहते हैं। हाँ। अकेलापन खा जाता है आपको और बड़ा खतरनाक है। एक पासवान है, उनका नाम रूप चोपड़ा है, पंजाब से जी। बड़ी अच्छी चीज हमें बता रहे हैं और दर्शक लोग आपको भी बताना चाहते हैं, हम सब लोग सीखना चाहते हैं इस लोनलीनेस के बारे में जो बहुत खतरनाक हो सकता है हमारे लिए। आइए मिलते हैं पास्टर रूप चोपड़ा के साथ। प्रियो, अकेलेपन में अलग अलग प्रकार के बहुत सारे खतरे होते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे भारत देश में 43% लोग हैं जो अलग और अकेले हैं। अलग और अकेले होकर हम अपने आप को अनेक प्रकार के खतरों में डाल लेते हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोग अवसाद रोधी दवाई लेते हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोग थेरेपी लेते हैं। परमेश्वर के वचन 1 यूहन्ना 2:17 में लिखा हुआ है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर से अलग होकर अकेलेपन में जाकर कई तरह के पाप हो जाते हैं, वो पाप के चक्कर में फंस जाते हैं।
ड्रग्स, सेक्स, पोर्नोग्राफी और शराब जैसे कई पापों में अपने आप को डुबा लेते हैं। पाप का परिणाम हमेशा दुखी होता है। बाइबल में बताया गया है कि जब आदम ने पाप किया तो परमेश्वर उसे ढूंढ रहा था। परमेश्वर पूछता है कि आदम तू कहाँ है? परमेश्वर को मालूम था कि वो कहाँ है, पर वो चाहता था कि आदम को पता चल जाए कि आदम कहाँ है। बाइबल में हमें एक लड़के उड़ाऊ पुत्र के बारे में बताया गया है। वो अपने माता पिता के पास गया और अपने माता पिता से अपने हिस्से की संपत्ति लेकर दूर किसी देश में अकेलेपन में चला गया और उसने अपने आप को विभिन्न प्रकार के खतरों में डाल लिया। लेकिन हमारे पास आशा है कि उस परिस्थिति में भी उस उड़ाऊ पुत्र ने परमेश्वर को पुकारा। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय की 17 आयत वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब वो अपने आप में आया और सोचने लगा, अपना जो कदम उसने पाप में रखा था उसे निकालकर वापस परमेश्वर की उपस्थिति में आ गया। आप उसके पास आए जिसके पास अनंत काल का विश्राम है। इमानुएल आज आपके संग हो सकता है। वो हमारे लिए आया था और आपके लिए आया था। उसके पास आए। अगर आप आज खतरे में हैं और आप चाहते हैं कि कोई आपके लिए प्रार्थना करे, तो आप एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई रूप चोपड़ा, इतना अच्छा आपने वचन शेयर करा हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ। दोस्तों, देखा आपने, वो भिगोड़ा लड़का प्रोडिगल सन लौट के आया, अकेलेपन के आलम में उन सोरों के बीच में बैठा हुआ, उसको अपने पिता की याद आई। ओ मेरे अजीज, जो आज आप देख रहे हैं, आप आज अपने स्वर्गीय पिता को याद करें। अगर आप दूर निकल गए हैं, अकेले हैं, लौट आइए उस पिता परमेश्वर के पास जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। जी दोस्तों, और हम आशा करते हैं कि इस संदेश से आपने बहुत आशीष पाई है। अगर इसी संदेश को आप पंजाबी भाषा में सुनना चाहते हैं तो आप जरूर CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहां पर आप ऐसा कर पाएंगे। इसे आप शेयर भी कर सकते हैं। वहां पर पंजाबी प्लेलिस्ट है जहां पर आप और भी बहुत सारी पंजाबी मेडिटेशंस और गीतों को और बहुत कुछ आप सुन सकते हैं और आशीष पा सकते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ समय हो गया है कि हम लेने जा रहे हैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आप और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। और इस ब्रेक में दर्शकों ध्यान रखें, रेबेका कुछ बता रही है बहुत जरूरी, किस तरह आप हमारे एक नई जिंदगी के परिवार में शामिल हो सकते हैं। इसलिए देखिए गौर से और बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ जाइए। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं, और ऐसा करने के लिए आप हर महीने ₹50 का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। दर्शकों, वापस आ गए हम, वेलकम बैक। और जैसे हमने बताया था आपको कि किस तरह आज का जो थीम है वो ये है कि परिवार के साथ रहते हुए भी आप अपने आप को अकेला समझते हैं। जी बिल्कुल, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रार्थना करें और हम वचन के साथ समय बिताएं, क्योंकि ऐसे ही हम परमेश्वर के और नज़दीक आ पाएंगे और परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर पाएंगे। बिल्कुल सही दर्शकों, जैसे रेबेका ने बताया, प्रार्थना इज़ अ बाइंडिंग फैक्टर, एक ऐसा ग्लू है जो हमें जोड़ के रख सकता है। और अगर आपको लग रहा है आप अलग हो गए हैं, तो प्रार्थना ही खींच के आपको वापस ला सकता है और आपके परिवार में वो प्रेम और वो मोहब्बत जिसकी आपको तलाश है कि लोग आपको पहचाने, रिस्पेक्ट करें, प्रेम करें, वो प्रार्थना की बदौलत आपको मिल सकता है। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि हर घड़ी, हर समय, हर लम्हा प्रभु जी आप वेट करते हैं कि हम कब आपसे बात करें। प्रभु जी, हम अपनी रोज़मर्रा की जद्दोजहद और बिजी लाइफ में प्रभु जी इस तरह व्यस्त हो जाते हैं कि आपसे बात करना भूल जाते हैं प्रभु जी।
और प्रभु जी खास तौर से हम अपने ही स्ट्रगल्स में, हम अपने ही जंग, अपनी लड़ाइयां खुद लड़ने की कोशिश करते हुए शिकस्त पाते हैं प्रभु। आज प्रभु जी हम अपने उन सब दर्शकों के लिए दुआ करते हैं जो प्रभु जी शायद अभी ऑफिस जाने वाले हैं, स्कूल जाने वाले हैं, कॉलेज जाने वाले हैं, प्रभु जी अपने कार्य में लगने वाले हैं और अपने आप को बहुत अकेला समझते हैं। प्रभु जी आप उनके दिल के हाल को जानते हैं, हर जज्बात को जानते हैं, हर आंसू को प्रभु आपने अपने बोतल में बांध के रखा हुआ, आप हर एक चीज जानते हैं खुदावंद, आप सर्वज्ञानी परमेश्वर है, यू आर ऑल नोइंग माय लॉर्ड। प्रभु जी आप दया करें, अपना हाथ उन पर लाएं, उनको तसल्ली दें, उनको स्पेशल ग्रेस दें, अनुग्रह दें और आपकी शांति का अनुभव दें इसी वक्त, ताकि प्रभु जी वो अकेलापन छट जाए, हट जाए, उससे आप उनको आजाद करें और वो जाने कि अगर कोई भी ना हो आप उनके साथ हैं। प्रभु जी दया करें, ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों अगर आपने भी मेरे साथ आमीन बोला है हमारे साथ, इसका मतलब है लेट इट बी सो, ऐसा ही हो तो ऐसा ही होगा। याद रखें परमेश्वर आपके संग है, बेशक परिवार भी ना हो आपके साथ, खुदा आपके साथ है। जी बिल्कुल, आप अकेले नहीं हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हैं। आइए समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। यहोशू 1:5। दर्शकों क्या वचन है ये, क्या वादा है खुदा का, क्या परमेश्वर की आवाज आपके कानों में पड़ रही है कि जैसे मूसा के साथ में था मैं आपके साथ हूं। हां जी, यस ही इज विद यू, वो मेरे संग है, वो आपके साथ है, वही खुदावंद जो आज कल और हमेशा एक है, हमारा खुदावंद यीशु मसीह। दोस्तों हमने सोनाली की लाइफ से देखा किस तरह परमेश्वर ने उनको संभाला और उन्होंने प्रभु के वचन पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उनकी जिंदगी बदल दी। हमने ये भी देखा कि कैसे अगर लोग आपको भूल भी जाएं, अगर लोग आपको दुत्कार दें और आपको हटा दें और आपको लगे आपका कोई भी नहीं है, आप अकेले रह गए हो, याद रखें वो खुदावंद आपके संग है, आपके साथ है, वो कभी नहीं छोड़ेगा आपको। और दोस्तों इसी के साथ समय आ गया है आपसे इजाजत लेने का, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे और कल हम बात करेंगे अबाउट रिप्लेसिंग लोनलीनेस विथ टुगेदरनेस। तो आप जरूर हमारे साथ जुड़े रहें, और अगर आप किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन से इस समय गुजर रहे हैं, अगर आप प्रार्थना चाहते हैं तो हम प्रार्थना में आपकी सहायता करना चाहेंगे, आप अकेले नहीं हैं। वी वुड लव टू प्रे विद यू एंड फॉर यू। आप ज़रूर कॉल करें एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन में, हमारा नंबर है 9910401010। टिल नेक्स्ट टाइम गॉड ब्लेस यू, कीप यू एंड गिव यू विक्ट्री ओवर लोनलीनेस। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।